अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़मान पार्क से इस वक्त निकल रहा हूँ। ऑलमोस्ट 8 बजे का टाइम है। यहाँ पे अभी भी बहुत बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी मौजूद है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं अगर आपको नज़र आ रही हो। यहाँ पे सारी रात एक जंग का समा रहा है और इतनी शेलिंग हुई है ना यहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तकरीबन यहाँ पर 9:30-10 बजे पहुँच गया था। उस वक्त पुलिस जो है वो जो उस साइड पर है, ये माल रोड वाली साइड पे जो ब्रिज है वहाँ पे शेलिंग कर रही थी माल रोड से उस ब्रिज के ऊपर। और यहाँ के जो पीटीआई के वर्कर्स वगैरह थे इन्होंने आगे ऑब्स्टेकल्स वगैरह लगा कर उन्हें रोका हुआ था। और तब तक हालात नॉर्मल ही थे ज़मान पार्क के अंदर के। उसके बाद सब लोग अंदर आके बैठ के कैंपों में बैठे हुए थे। बाहर वाले कैंप तो उखाड़ दिए थे। जो ज़मान पार्क है वहाँ का कैंप जो है वो लगा हुआ था। पठान भाई यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। 2500 से 3000 जो पठान भाई वो मौजूद हैं। और अभी केपीके से मज़ीद जो है पठान भाई आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ इस तरह के भी मनाजर देखने को मिले सड़कों के ऊपर। लोग जो बैठे हुए थे चेयर्स वगैरह पे और जो उखड़े हुए कैंप थे उनमें, मेरी आंखों के सामने यहाँ से एक बाइक गुजरी है जिसके ऊपर एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे। उन्होंने ये बोतल नेस्ले क्या पेट जो है छोटी बोतल का वो ऐसे ड्रॉप किया और चले गए हैं। किसी को नहीं पता वो कौन है। इसी तरह और भी लोग आते थे, कोई बिस्कुट दे जाता था, कोई जो है वो पानी दे के चला जाता था। ये मामला चलते रहे। तकरीबन 12-1 बजे तक सुकून था। उसके बाद ऑलमोस्ट 2:30 बजे के करीब ज़मान पार्क का ये जो ठंडी रोड वाला एरिया जिसके ऊपर मैं इस वक्त चल रहा हूँ, इस साइड पर जो गेट है वहाँ से कॉल आई जी कि यहाँ से पुलिस आ रही है। और कैंपों में इन्होंने इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया। पहले किस लोगों को लगा कि शायद ये रूमर है, अफवाह है, बिला वजह कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए है। लेकिन बाद में जब देखा जाके, मैंने खुद पर्सनली तौर पर बाहर आके देखा तो काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस जो है उसकी नफरी इस रोड के ऊपर ज़मान पार्क की तरफ जा रही थी। कारकुनान ने फौरी तौर पे अंदर जाके गेट बंद किया। अंदर एक पुराना सा कंटेनर था छोटा, जो पानी वाला वाटर टैंकर है वो गेट के आगे लगाया। उसके बाद जो टेम्परेरी टॉयलेट इंस्टॉल थे 2-3 वो उठा के उखाड़ के वहाँ पे लगाए। और तकरीबन 3:15 बजे के करीब यहाँ पे शदीद शेलिंग शुरू होगी इस साइड से। हमने भी वो, मुझे खुद वो शेल जो हैं उनकी वजह से सांस में भी प्रॉब्लम हुई, आंखों से पानी वगैरह भी आया, ये चीज़ सारी फेस की है। यहाँ से उनका अंदर आना जो है वो मुश्किल था। और खैर वो शेलिंग वगैरह करते रहे। इस दौरान जो ख़वातीन हैं उन्हें देख के मैं हैरान रह गया। ख़वातीन इतनी मुतहरिक थी, उन्होंने पानी पकड़े हुए थे, पेट पकड़े हुए थे, नमक पकड़ा हुआ था और छोटे छोटे बच्चों के साथ बाइक्स पर घूम रही थी। और जहाँ जहाँ पे किसी को कोई मसला हो रहा था शेलिंग की वजह से उसे साइड पे करके उसे पानी फ्राहम किया जा रहा था, नमक फ्राहम किया जा रहा था कि वो दोबारा से ताज़ा दम हो सकें। और लोग बिल्कुल इसी तरह कर रहे थे, वो शेल खाते थे, ताज़ा दम होते थे, दोबारा पहुँच जाते थे लड़ने के लिए। इस साइड से तो खैर पुलिस जो है वो नहीं जा सकी। लेकिन इसके बाद इन्होंने ये प्लान किया, ये घूम के ऊपर से किनाल की साइड से आ गए। किनाल की साइड पर जब आए हैं तो साथ इनके वाटर कैनन भी था। और वाटर कैनन के अंदर जो पानी था उसमें कोई केमिकल भी था और वो इतना जहरीला केमिकल था कि वो ऑलमोस्ट 15 से 20 मीटर दूर भी वो होता था तो उसके पानी के जो बुखारात होते थे वो गले में और आंखों में पड़ते थे। और उससे जिसके जिस्म पे पड़ रहा था उसे जलन भी हो रही थी। ठीक है, इन्होंने पेशकदमी शुरू की है पुलिस ने तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब। कारकुनान ने यहाँ पे जो है उनके आगे रुकावटें खड़ी करनी शुरू की हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में जो पत्थर हैं वो बनाने शुरू किए हैं, ईंटों को तोड़ के उनके पत्थर बनाए हैं। और फिर ख़वातीन जो हैं वो पत्थर इन्हें डिलीवर कर रही थी। और सब यही कह रहे थे कि हमने सिर्फ इन्हें रोकना है, हमारी इनके साथ लड़ाई नहीं है, हमने इन पर तशद्दुद नहीं करना। ये अभी भी आपके सामने ये कंटेनर इधर लगा हुआ है, वो सामने 2 प्रिजन वैन्स भी हैं। पुलिस की तादाद अभी भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। और ख़वातीन जो हैं वो इस सारे सिनेरियो में जो हैं वो इनकी मदद कर रही थी और इन्हें जो है पानी वगैरह फ्राहम कर रही थी, पत्थर फ्राहम कर रही थी। छोटी ट्राली जो होती है मज़दूरों वाली, उसके अंदर बाकायदा बड़े छोटे छोटे पत्थर जो हैं बड़ी ईंटों को तोड़ के वो ला के दे रहे थे। ये देखे पुलिस वैन,
वो ला के दे रही थी। और खैर तकरीबन 3-3.5 घंटे की मुज़ाहमत के बाद सुबह आलमोस्ट 6-6 बजे के करीब जो है ना, ये पुलिस यहाँ से पछता हो गई। कारकुनान ने इनके ऊपर पथराव करके इन्हें यहाँ से भगा दिया। और ये तकरीबन खान साहब के घर से आलमोस्ट 100 मीटर दूरी तक पहुँच चुके थे, लेकिन दाद देनी पड़ेगी पीटीआई के कारकुनान को। ये जिन्हें मम्मी डैडी कारकुनान या मम्मी डैडी कहा जाता था पार्टी, इन्होंने जिस तरह डट के मुकाबला किया है और जिस तरह इन्होंने एक पुलिस फोर्स को पीछे धकेला है, पहले इन्होंने माल रोड की साइड से पीछे धकेला, फिर इस साइड से भी पीछे धकेला है, और इतनी ताकत होने के बावजूद पुलिस की, उसकी वजह यह थी कि यहाँ पे कारकुनान की तादाद बहुत ज़्यादा थी। पुलिस ने शायद ये सोचा था कि अभी जो है रात के 3 बज रहे हैं, लोग सो गए होंगे, चले गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लोग वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद थे। 2500-3000 पठान था और बाकी जो पंजाबी लोग हैं इनकी भी काफ़ी बड़ी तादाद थी, आलमोस्ट 5-6 हज़ार लोग मौजूद थे। अभी जब मैं निकला हूँ तो अभी मज़ीद लोग आना शुरू हो गए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में जो वहाँ पे लोग हैं वो आ चुके हैं। और सुबह सुबह 2 पुलिस वालों को कुछ जज्बाती कारकुन जो हैं वो पकड़ के और उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन जो दूसरे कारकुनान थे उन्होंने समझाया कि नहीं भाई इस तरह नहीं, ये भी हमारे भाई हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं, तो इनके साथ ऐसा नहीं किया जाएगा, किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, तो उन्हें जो है वो वहाँ से सेफली निकाला गया है। और यहाँ पे मैं स्पेशली ज़िक्र करना चाहूँगा पीटीआई की क़यादत का। पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है उसमें से कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय 2 शख्सियात के, एक ज़रताजगुल वज़ीर। जब भी कोई वाटर कैनन या शेलिंग वगैरह या पुलिस की फ़ोर्स आती थी, ज़रताजगुल फ्रंट लाइन पर जाके खड़ी होती थी और वहाँ पे वो खड़ी होती थी और कारकुनान का हौसला बढ़ा रही होती थी। दूसरा मुराद सईद इमरान ख़ान के जो घर है, उस घर का जो दरवाज़ा है उस दरवाज़े के ऊपर बैठा रहा है सारी रात, और वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग थे और उनका जज्बा वगैरह बढ़ाता रहा है। इसके अलावा आज़म सवाती साहब भी मौजूद थे, केपी के साबिक वज़ीर आला जो हैं महमूद ख़ान वो भी मौजूद थे, और साबिक वज़ीर तालीम आतिफ ख़ान भी मौजूद थे। बाकी कोई ऐसा की आदत नज़र नहीं आई। मुदसर में छियाना साहब जो हैं वो इमरान ख़ान के करीबी साथी, वो भी यहाँ पे मुझे नज़र आए और वो आलमोस्ट 1.5-2 घंटे तक खाना कारकुनान को फराहम करते रहे वहाँ पे खड़े होके। कारकुनान की तादाद बहुत ज़्यादा थी इस वजह से उन्हें इतना टाइम लगा। और हम आज अज़रबाद में आए, तकरीबन ये आए थे कोई आलमोस्ट 12-1 बजे, जुल्फी बुखारी आए, उस्मान सईद बसरा भी थे, लेकिन जो ज़रताजगुल वज़ीर थी वो फ्रंट पर थी। इसके अलावा इमरान ख़ान की जो बहन है वो वहाँ पे सारी रात मौजूद रहीं। अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और पुलिस की बहुत बड़ी तादाद अभी भी यहाँ पे मौजूद है, और इसके अलावा ग्रैंड ऑपरेशन की भी इत्तलात हैं, लेट्स सी होता है या नहीं होता। हसन नियाज़ी भी काफ़ी ज़ख्मी था, उसके सर पे चोट आई हुई थी, पट्टी थी, और इस गर्दन के यहाँ पर भी ना कुछ निशानात थे, सुरख उसे डंडे लगे थे। हसन नियाज़ी भी जो है वो बड़ा चिल किस्म का पर्सन, मैंने मुझे तो लगा कि इस तरह की मार खा के भी वो कैंप में आया और आके बोला है जी बस 2 घंटे रह गए हैं, अदालत खुलने वाली है, उसके बाद वो निकला है सड़क के ऊपर अकेला जा रहा है, वहाँ से किसी से लिफ्ट लेके आके बैठ गया। तो ये सूरत हाल थी अब तक की। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाला जो टाइम है वो पाकिस्तानी कौम, ज़मान पार्क और पुलिस वालों, तमाम रियासत के लिए पुरअमन वक़्त होगा। आप सबसे गुजारिश है कि दुआ कीजिए पाकिस्तान के हालात में, हालात यहाँ पर ज़मान पार्क में बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और पीटीआई के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मज़ीद कारकुनान भी पहुँच रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।